निकाल लिए। ओह नो, पाकिस्तान का झंडा गिर चुका है। इसको मैंने ऊपर रखा है, पहले छत की सफाई करनी है। और मैंने रबी लवल का झंडा भी लगा दिया है। और ये मेरे बैकग्राउंड पे जो लाइट्स हैं सबसे ज़्यादा हसीन लग रही हैं, और मानो मेरे साथ है। बताता हूँ कि मैं गंजा क्यों हूँ, मैं टेंड क्यों करवाई है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो मैं आज लाइटें लगाने वाला हूँ, तो मेरा व्लॉग यही है रबी लवल पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले अपनी लाइट्स। ये मैंने लाइट्स निकाल ली। ओह नो, पाकिस्तान का झंडा गिर चुका है। इसको मैंने ऊपर रखा है, पहले छत की सफाई करनी है। और मैंने रबी लवल का झंडा भी लगा दिया है। और ये ऐसा है कि मैंने लाइटें निकाली हैं, इसमें मैंने लाइटें जलाकर देखी तो मैंने इसको अलग कर लिया। ये ख़राब लाइट है, तो लाइटें आपको दिख रही होंगी थोड़ी सी ख़राब हुई हुई हैं, मतलब इसका कलर डैमेज हुआ है। तो वो ऐसा है कि ये पुरानी लाइटें हैं, जो बात है। तो मैंने इसको उठा के रख दी क्योंकि डॉलर इतना ऊपर जा रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। तो अभी हमने ये करना है कि इसको हम लगाएंगे। मौसम भी बारिश का हुआ हुआ है, तो फ़िलहाल मैं इसको लगाने की तैयारी करता हूँ। और क्या नाम है, एक्चुअली मेरा, मैंने आपको न्यू लुक तो दिखाया ही अपना, क्योंकि मैंने करवा लिया टेंड, ठीक है। टेंड गंजा हो गया हूँ मैं, तो मौसम बारिश का हुआ है। पहले मैं डिपेंडेंट था कि इसको लगाऊं या ना लगाऊं। एक्चुअली ऐसा है कि ये तो बारिश में ख़राब हो जाएगी, और इसके ऊपर तो देखो मक्खियों ने भी गंद बहुत ज़्यादा किया हुआ। इसको साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगी पानी की वजह से, तो बारिश से तो ऑब्वियसली ख़राब होंगे। और ये लाइटें देखो, ये बहुत पुरानी होती थी, और ये मेरे बाबा के हाथ की लाइटें हैं, और ये अभी तक चल रही हैं, बिल्कुल सही है। इनमें से ये ख़राब हुई थी, वो हमने साइड कर दी है, लेकिन ये तीनों फ़िलहाल चल रही हैं। ये इसका कनेक्टर है, इससे हम इनको फिट करने वाले हैं। और मैं नीचे अपने गार्डन में भी इसको फिट करूंगा। गार्डन को भी हमने अच्छे से सजाना है। मैंने एक झंडा और निकाला है, और एक मैंने लगा दिया है, वो भी जो लगाया है वो भी मैं दिखाता हूँ। बस जुगाड़ कर करके मैं अकेले ही लगाऊँ करने में। तो मैंने झंडा पहले तब्दील किया, 14 अगस्त का लगा हुआ था, मैंने वो उसको हटाया और नालियन पार्क का झंडा लगा दिया रबी लवल के हिसाब से। और उसके अलावा अभी मैंने गार्डन को भी डेकोरेट करना है, उसके अंदर भी लाइटें लगानी है, और पौधों में एडजस्ट करनी है लाइटें, तो मैं वो भी करूँगा। लेकिन उससे पहले छत पे से घर को सजाते हैं, तो घर को सजाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। इनको पहले खोल खोल के लंबा लंबा करके नीचे लटकाना है, और उसके अलावा फिर कनेक्शन देना है इनको। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि साथ साथ तो मैं अकेले व्लॉग बना नहीं सकता, तो मैं इसको व्लॉग को बंद करूँगा। और गाइस फाइनली हमारी लाइट्स लग चुकी हैं, और फाइनली ये लुक आ रहा है। ये देखो, इसके हमने ऐसे नीचे के इतनी ज़्यादा लाइट्स हैं, तो ये पूरे घर के ऊपर शेड दे रही हैं यार। गाइस ये है हमारा गार्डन का व्यू, और मानो भी मेरे शाद है। और अभी हम दिखाने वाले हैं लाइट्स, ये देखो ये व्यू कितना प्यारा आ रहा है। और ये व्यू देखो, ये मेरे बैकग्राउंड पे जो लाइट्स हैं सबसे ज़्यादा हसीन लग रही हैं, और मानो मेरे साथ है। और अभी हम कहाँ जाने वाले हैं मानो, हैं अभी हम अंदर का व्यू दिखाते हैं। दिखाया ना अंदर का, मानो वो देख, कैमरा देखो मानो, हाँ। तो ऐसा है कि मैं आप बताता हूँ कि मैं गंजा क्यों हूँ, मैं टेंड क्यों करवाई है। वो टेंड मैंने ऐसे करवाई है कि मैं बाजी की शादी में था, बाजी की शादी में जब मैं बाल कटवाने गया था, उसने यहाँ पे ना ब्लड लगा दिया था। ये देखो, दिख रहा होगा ये छोटे बाल, इनको लेवल करने के लिए मैंने टेंड करवाई है, क्योंकि ये मतलब के बहुत आगे पीछे हो रहे थे मेरे, तो अच्छे खास से यहाँ तक के बाल हो गए थे, फुल पौनी बनती थी। लेकिन मैंने इसको टेंड करवाई है, लेकिन अब मैं दोबारा से जो बढ़ाऊँगा वो इसके साथ ये पीछे तक जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये देखो बस लेवल हो रहे हैं, और मैंने इसलिए मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं टेंड करवाई हुई थी। अब ऐसा होगा कि व्लॉग अब प्रॉपर आएंगे क्योंकि बाल अच्छे खासे आ चुके हैं। बस मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहाँ पे एंड। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी जो नेक्स्ट व्लॉग हमारा आने वाला है वो होगा रबी लवल का, और नाइट सेलिब्रेशन से लेकर रोज़ा इफ्तार और बेसिकली जो भी सब कुछ होता है ना, वो सब मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कराऊंगा इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग का हम करें एंड। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और सपोर्ट करें यार, प्रॉपर सपोर्ट करें। आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने कॉन्टैक्ट में सबको शेयर करें यार, मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें, और उसको सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।